वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा दिस टॉपिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जनरल स्टैटिक्स और आप सभी को पता है फ्रेंड्स अगर आप जेके एस फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरल स्टैटिक्स का बेटे है आपके एग्ज़ाम में टेन मार्क्स का ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है बट वी हैव टू रिवाइज सिलेबस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन बाय द जे के एस एस बी ठीक है वही वही टॉपिक जो है हम रिवाइज़ करेंगे जो जेके एस एस बी ने हमें दिए हैं सो so, आज का ये जो वीडियो है पार्ट वन है जनरल स्टैटिक्स के ऊपर सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा इन स्टैटिक्स फ्रेंड्स ये जो थियोरटिकल पार्ट पहले हम करेंगे उसके बाद में हम कुछ एक एम सी क्यूज जो कि इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड वो भी हम करेंगे सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा इन स्टैटिक्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा इन स्टैटिक्स इज दैट प्राइमरी डाटा दैट इज़ कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय अ रिसर्चर जिसमें कौन हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कोई पर्सन हो सकता है अथॉरिटी हो सकती है कोई एजेंसी हो सकती है आर पार्टी वगैरह हो सकती है थ्रो एक्सपेरिमेंट्स सर्वे करते हैं या फिर क्वेश्चनरीज से फोकस ग्रुप्स उसके बाद में कन्डक्टिंग इंटरव्यूज एंड टेकिंग या फिर रिक्वायर्ड मेजरमेंट्स बाइल द सेकेंडरी डाटा इज रेडिली अवेलेबल क्लेक्टेड बाई समल्स एंड इज़ अवेलेबल टू द पब्लिक थ्रू पब्लिकेशन्स जर्नल्स एंड न्यूज पेपर्स देखो सीधी सी अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो हम खुद तैयार करते हैं जो हम खुद जो है क्लेक्ट करते हैं ठीक है और सेकेंडरी डाटा जो है वो वो डाटा होता है जो हमें रेडी मिलता है वो किसी और ने तैयार किया होता है ठीक है तो ये इसलिए यहाँ पे लिखा है कलेक्टेड बाय समबन एल्स ए डाटा बिच इज़ कलेक्टेड बाय समबन एल्स इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा एंड दैट डाटा बिच इज़ कलेक्टेड बाय आर सेल्स मीन्स हमारे खुद के द्वारा जो डाटा तैयार किया जाता है उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा अभी आते हैं नेक्स्ट प्राइमरी डाटा फिर यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइमरी डाटा मीन्स द रा डाटा डाटा विदाउट फैब्रिकेशन आर नॉट टेलर्ड डाटा तो प्राइमरी डाटा मीन्स द रा डाटा डाटा विदाउट फैब्रिकेशन आर नॉट <स गँए>। टेलर डाटा विच हैज़ जस्ट बीन कलेक्टेड फ्राम द सोर्स एंड हैज़ नाट गॉन एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट लाइक सॉर्टिंग एंड टेबलेशन द टर्म प्राइमरी डाटा में समटाइम्स बी यूज टू रेफर टू फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कैन का मीनिंग ये है कि वो डाटा कि अभी जो हाल ही में क्लैक्ट किया गया है हमारे खुद के द्वारा बट उसमें कोई भी अभी हमने जैसे कहते हैं कोई अमेंडमेंट नहीं की है किसी आ, हायर अथॉरिटी को वो डाटा जो है वो कलेक्ट नहीं किया है वो हमारे खुद के पास है दैट इज़ नोन एज प्राइमरी डाटा जिसे कहते हैं एक किस्म से रहा होता है ना कच्चा डाटा जिसे कहते हैं तो दैट इज़ प्राइमरी डाटा नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा the sources of primary data are primarily units such as basic experimental units individuals households following methods are used to collect data from primary units usually and these methods depends on the nature of the primary unit published data and the data collected in the past is called सेकेंडरी डाटा कोई भी डाटा जब उसको पब्लिश कर दिया जाता है और कोई दूसरा जब उसको इस्तेमाल करता है तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा जो डाटा हमें अवेलेबल मिलता है तो आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर या कहीं भी जो डाटा हमें रेडी मिलता है हमारे यूज़ के लिए और हम वहाँ से वो डाटा ले, ले लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा आगे चलते हैं अभी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अभी देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा क्या है सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा हमारे पास जो है वो क्या है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हमारे खुद के द्वारा दी रिसर्चर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट आर सर्वे हिम सेल्फ ओब्लिक हर सेल्फ एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम इट दी कलेक्टेड डाटा इज जनरली एक्यूरेट एंड रिलायबल जो प्राइमरी डाटा होता है वो क्या होता है एक्यूरेट होता है और उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि हमने खुद तैयार किया है वो दिस मैथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज फिजिबल ओनली इन केस ऑफ स्मॉल स्केल लेबोरेटरी फील्ड एक्सपेरिमेंट्स आर पायलट सर्वेस एंड इज़ नाट प्रैक्टिसबल फॉर लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वेज बिकॉज इट टेक टू मच टाइम तो यहाँ पे चलते हैं आगे through investigators the trained experienced investigators are employed to collect the required data abhi dekho jo primary data hai usko jahan to hum khud jo hai wo collect kar sakte hain ya fir hum kya karte hain kisi ko detail karte hain वो भी experienced बंदे उस field में जो है उनको detail किया जाता है उसे क्या कहते हैं Through investigators the trained experienced investigators are employed to collect their required data in case of surveys they contact the individuals and fill in the questionnaires after asking the required information where a questionnaire is an inquiry form having a number of questions designed to obtain information from the respondents दिस मैथड ऑफ़ कलेक्टिंग डाटा इज़ यूजली इम्प्लाइड बाई मोस्ट ऑफ़ दर्गेनाइजेशंस एंड इट्स गिव्स एंड इट गिव्स रिजनेबली एक्ूरेट इन्फॉर्मेशन बट इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड मे बी टाइम टेकिंग टू देखो ऐसा है हर वो काम जिसको आप किसी के द्वारा करवाते हो या फिर करते हो ठीक है आप किसी को ड्रील करते हो वही अगर कोई आपके बिहाफ़ पे कोई और बंदा कोई काम करेगा तो वो नेचुरली जो है पैसे तो लेगा ठीक है वो ऐसे फ्री में तो करेगा नहीं सो so, ये जो है कॉस्टली होता है और टाइम टेकिंग भी हो सकता है उसके बारे में देखो यहाँ पे मेन ये है कि भाई हम जो है जो सोर्सेज ऑफ प्राइवेट डाटा है वो कौन कौन से हैं सबसे पहले है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन उसके बाद में थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स उसके बाद में थ्रू क्वेश्चनरी थ्रो लोकल सोर्सेज उसके बाद में थ्रो टेलीफोन अभी देखो लोकल सोर्स में क्या आएगा द लोकल रिप्रजेंटेटिवस आर एजेंट्स आर आस्क टू सेंड रिक्वज इन्फॉर्मेशन हु प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन बेस्ड अपान देयर ओन एक्सपीरियंस दिस मैथड इज़ क्विक वट इट गिवज रफ एस्टिमेट ऑन दैट यू नो किसी भी चीज़ के बारे में रफ एस्टिमेट दे सकता है वो तो ये हो गया थ्रो लोकल सोर्सेज जैसे कि जो न्यूज़ पेपर एजेंसीज़ होती हैं उन्होंने वहाँ पे क्या किया होता है जो न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे अपने जो आ, कह सकते हैं कि कॉरस्पोंडेंट्स छोड़े होते हैं वहाँ पे, ठीक है फील्ड में जो क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन कोई भी अगर उस एरिया में कोई भी यू नो you know, ऐसी बात होती है जो कि न्यूज़ में दिखानी चाहिए या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो ठक से जो है वो सेंड करते हैं न्यूज़पेपर एजेंसी को और वो वहाँ पे पब्लिश कर देते हैं उसको नेक्स्ट आता है थ्रू टेलीफोन द इंफॉर्मेशन मे बी ऑब्टेंड बाय कॉन्टेक्टिंग द इंडिविजुअल ऑन टेलीफोन इट्स क्विक एंड प्रोवाइड एक्यूरेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तो फ़ोन के ऊपर जो है हम किसी से कॉन्टैक्ट करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बट प्राइमरी डाटा उसको भी जो फ़ोन के ऊपर हम लेते हैं उसे भी कहते हैं प्राइमरी डाटा तो इट्स क्विक ये जल्द जल्दी हो जाता है एंड प्रोवाइड एक्यूरेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और इससे क्या होता है कि हमें जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो मिल सकती है हंड्रेड परसेंट नहीं है कि एक्यूरेट ही मिलेगी ठीक है बट एक्यूरेट मिल सकती है नेक्स्ट आता है थ्रू इंटरनेट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द पीपल मे बी कॉन्टेक्ट थ्रू इंटरनेट एंड द इंडिविजुअल्स मे बी आस्क टू प्रोवाइड द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन गूगल सर्वे इज वाइडली यूज एज ऑनलाइन मेथड for data collection nowadays there are many paid online survey services too it is important to go through the primary data and locate any inconsistent observations before it is given a statistical uh, statistical treatment तो यहाँ पे friends अगर आपको वहाँ पे options दिए गए होंगे देखो ऐसा है कि question जो है hardly एक एक topic से hardly एक एक question आ सकता है या फिर दो भी आ सकते हैं तो अगर वहाँ पे लिखेंगे कि प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ़ प्राइमरी डाटा इज़ तो वहाँ पे चार ऑप्शन दिए होंगे तो तीन जो है वो आपके आंसर नहीं होंगे बट उसमें से एक आपने टिक करना है तो क्या है सोर्सेज ऑफ़ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा सबसे पहले आता है हमारा क्या एक तो हो गया हमारे खुद के द्वारा उसके बारे में पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तो है ही है थ्रो इन्वेस्टिगेटर्स दो दूसरा हो गया उसके बाद में थ्रो क्वेश्चनरी तीन थ्रो लोकल सोर्स उसके बारे में थ्रो टेलीफोन और थ्रो इंटरनेट ठीक है ये हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज उसके बारे में आता है सेकेंडरी डाटा डाटा बिच हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम वो डाटा जो किसी दूसरे के द्वारा पहले से ही कलेक्ट किया गया है मे बी सॉट टैबुलेटेड एंड हैज़ अंडरगोन ए स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इट इज़ फैब्रिकेटेड आर टेलर डाटा तो उस डाटे में क्या बोला इसने कि मे बी सॉर्टेड टैबुलेटेड उसको सॉर्टेड किया गया हो टैबुलेट किया गया है और अंडरगोन ए स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट तो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट भी किया गया हो इट इज फैब्रिकेटेड आर टेलर डाटा तो ये जो डाटा है मेनली आपने ये याद रखना है कि डाटा विच हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाई सन इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा क्या है द सेकेंडरी डाटा मे बी अवेलेबल फ्राम द फॉलोइंग सोर्सेस सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जैसे कि फेडरल एंड प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक ठीक है तो फेडरल एंड प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक उसके बारे में क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नेक्स्ट है सेंसेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेश एट्सेट्रा तो यहाँ पे सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी जो है उससे जो डाटा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं सेकेंडरी डाटा उसके बाद में है सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि म्यूनसिपल कमेटीज़ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कमर्शियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स एट्सट्रा इनसे जो डाटा मिलता है वो भी होता है सेकेंडरी डाटा नेक्स्ट आता है टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस उसके बाद में है रिसर्च जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स उसके बाद इंटरनेट तो यहाँ से जो भी डाटा हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं सेकेंडरी डाटा ठीक है लेकिन अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम खुद कोई डाटा अगर कहीं से कलेक्ट करते हैं जैसे हमने खुद जो कोई फॉर्म डाला है और किसी को भेजा वो फॉर्म के भाई हाँ आप जो है इसका जो है हमें भर के दो ये ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी आप हमें बताओ इस चीज़ के बारे में तो वो डाटा जब हम लेते हैं तो दैट इज़ प्राइमरी डाटा बट जो डाटा ऑलरेडी वहाँ पे किसी के द्वारा लिया गया है और उसको हम अगर वहाँ से ले लेते हैं इंटरनेट से तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा अभी आते हैं कुछ एक एम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सबसे पहले है प्राइमरी डाटा एंड डैश डाटा आर सेम तो फ्रेंड्स कौन सा डाटा होता है सेम फर्स्ट है ग्रुपड सेकेंडरी डाटा अनग्रुप्ड और नन ऑफ दिज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बताइए कौन सा हो सकता है प्राइमरी डाटा एंड डैश डाटा आर सेम आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा हेयर द राइट आंसर इज अनग्रुप्ड ठीक है प्राइमरी डाटा एंड अनग्रुप्ड डाटा आर सेम ये दोनों सेम होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट हैंड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड द फर्स्ट हैंड एंड अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं सबसे पहले ऑप्शन दिए हैं सेकेंडरी डाटा ऑर्गेनाइज डाटा प्राइमरी डाटा और उसके बाद में नन ऑफ थीज तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा द फर्स्ट हैंड एंड अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड हेयर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दैट इज़ प्राइमरी डाटा ठीक है फर्स्ट हैंड यहाँ पे आ गया दैट इज़ प्राइमरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री इफ ए

प्लेटिकोटिक है या फिर मैसोकोटिक है तो फ्रेंड्स हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज कार्ड क्या होता है इफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज एब नॉर्मली टाल एंड पिक्ड देन इट कैन बी सेड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकोटिक ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ डॉट्स वेन टू डाइस आर रोल्ड इज सम ऑफ डॉट्स वैन टू डाइस आर रोल्ड इज क्या कहते हैं उसको ए डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं ए कॉन्टे वेरिएबल कहते हैं उसके बाद में है ए कॉन्स्टेंट कहते हैं या फिर ए क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा सम ऑफ डॉट्स वैन टू डाइस आर रोल्ड इज क्या कहते हैं उसको उसे कहते हैं ए डिस्क्रीट वेरिएबल ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव द डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाई सम तो ऑप्शन ए इज रा डाटा बी इज एरे डाटा सी इज सेकेंड्री डाटा एंड डी इज फिक्शियस डाटा तो आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा फ्रेंड्स हेयर द डाटा बिच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाई सम सेकेंड्री डाटा हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जो डाटा किसी दूसरे के द्वारा कलेक्ट किया गया हो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चनरी सर्वे मेथड इज़ यूज टू कलेक्ट देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि क्वेश्चनरी सर्वे मेथड इज़ यूज टू कलेक्ट किस में होता है ये तो ए इज़ यहाँ पे सेकेंडरी डाटा बी इज क्वालिटेटिव वेरिएबल सी इज़ प्राइमरी डाटा एंड डी इज नन ऑफ दीज फ्रेंड्स क्वेश्चनरी सर्वे मेथड इज़ यूज टू कलेक्ट राइट आंसर इज प्राइमरी डाटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन ए सिटी ड्यूरिंग टू जीरो वन जीरो इज टू थाउजेंड टेन में नंबर ऑफ जो एक्सीडेंट्स हैं जो कि किसी सिटी में हुए ठीक है तो यहाँ पे क्या है वो ऑप्शन ए इज डिस्क्रीट वेरिएबल है कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है क्वानिटेटिव क्वालिटेटिव uh, वेरिएबल uh, है या फिर कांस्टेंट है तो फ्रेंड्स द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन ए सिटी ड्यूरिंग टू जीरो इज कॉल्ड ऑप्शन ए दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं ए पैरामीटर इज ए मेजर बिच इज कंप्यूटेड कंप्यूटर फ्राम ए पैरामीटर इज ए मेजर बिच इज़ कंप्यूटर फ्राम ए इज पॉपुलेशन डाटा बी इज सैंपल डाटा सी इज टेस्ट स्टेटिक्स एंड डी है नन ऑफ दिज तो फ्रेंड्स ना तो यहाँ पे सैम्पल डाटा है ना ही टेस्ट स्टेटिक है तो क्या है स्टैटिस्टिक्स है तो क्या है यहाँ पे नन ऑफ दिज भी नहीं है एयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज़ पॉपुलेशन डाटा ए पैरामीटर इज ए मेजर बिच इज कंप्यूटेड फ्राम पॉपुलेशन डाटा नेक्स्ट क्वेश्चन ए कॉन्स्टेंट वेरिएबल कैन टेक वैल्यूज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू वेरिएबल कैन टेक वैल्यूज तो क्या ले सकता है वो जीरो है फिक्स्ड है नॉट नॉट फिक्स्ड है नॉथिंग है तो फ्रेंड्स यहाँ पे नथिंग है या फिर नॉट फिक्स्ड है या फिक्स्ड है जीरो है आप कैस कीजिए ए कांस्टेंट वेरिएबल कैन टेक वैल्यूज देखो कांस्टेंट तो और फिक्स्ड तो यहाँ पे राइट right आंसर क्या है फिक्स्ड ए कांस्टेंट वेरिएबल कैन टेक वैल्यूज दैट इज कार्ड फिक्स्ड नेक्स्ट क्वेश्चन द मीन आफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ट्वेंटी थ्री द मीडियन इज़ ट्वेंटी फोर एंड द मोड इज़ ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज देखो यहाँ पे इसने बोला है कि मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कितना है ट्वेंटी थ्री है द मीडियन जो है वो कितना है ट्वेंटी फोर है एंड द मोड इज़ ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव तो इट इज़ लाइकली दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज यहाँ पे पॉजिटिवली सिक्योर्ड है सिमेट्रिकल है एसिम्पो असिम्पोटिक है यहाँ के नेगेटिवली सिक्योर्ड है तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर right क्या है देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी कम है मीन भी कम है बट मोड़ कितना है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव तो हेयर द राइट आंसर इज़ नेगेटिवली सिक्योर्ड ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन ए चांस वेरिएशन इज ए चांस वेरिएशन इन एन ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस इज ए चांस वेरिएशन इन एन ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस इज तो ए इज़ डिस्पर्शियन ऑब्लिक वेरिएबिलिटी बी है मेजरमेंट एरर सी है यहाँ पे रैंडम एरर और नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट एरर तो ए चांस वेरिएशन इन एन ऑब्जरवेशनल प्रोसेस इज आई होप आपने आंसर टिक कर दिया होगा हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज रैंडम एरर नेक्स्ट क्वेश्चन डाटा क्लेक्टेड बाई एन ए डी आर ए टू इशू कंप्यूटराइज आइडेंटिटी कार्ड्स सी आई सी आर तो देखो डाटा क्लेक्टेड बाई एन ए डी आर ए टू इशू कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड्स तो कलेक्ट किसने किया है एन ए डी आर ए ने टू इशू कंप्यूटराइज आइडेंटिटी कार्ड सी आई सीज आर तो क्या है ये अनऑफिशियल डाटा है क्वालिटेटिव डाटा है सेकेंडरी है या के प्राइमरी है आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्योंकि डाटा कलेक्ट किया है किसने एन ए डी आर ए ने और इशू वही कर रहा है आइडेंटिटी कार्ड तो इट मीन्स उसने खुद जो है कलेक्ट किया है तो यहाँ पे आंसर इज प्राइमरी डाटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द ग्रुप डाटा इज द ग्रुप डाटा इज आल्सो कॉल्ड हमने ऊपर भी पहले क्वेश्चन किया है ये जो ग्रुप डाटा है इज आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं उसको रॉ डाटा है प्राइमरी डाटा है सेकेंडरी है या के क्वालिटेटिव डाटा है तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में ठीक है तो हो सकता है इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आएगा कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे बट क्या होता है कि हम कोई एक स्पेसिफिक बुक ले लेते हैं और उसमें से कुछ एक एम जो है रिवाइज करते रहते हैं बट जो पेपर सेट करने वाले हैं वो भी बहुत समझदार हो गए हैं वो भी क्या करते हैं क्वेश्चन भले ही इजी डाल देंगे बट डालेंगे वो क्वेश्चन जो कि आपके वो जो बुक का आपने ले रखा है उसमें ना हो सो द ग्रुप्ड डाटा इज आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सेंसिस रिपोर्ट्स यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ डाटा इज सेंसिस रिपोर्ट्स यूज एज ए सोर्स ऑफ डाटा इज हेयर प्राइमरी सोर्स है सेकेंडरी है ऑर्गेनाइज है या कि नन है तो यहाँ पर क्या पूछा है कि सेंसिस रिपोर्ट यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ डाटा इज तो भाई जो सेंसिस रिपोर्ट है उसको अगर आप किसी Uh, उसका जो डाटा है वो कहीं पे उसको सोर्स बना के जो है आप कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हो तो इट इज़ कॉल्ड कौन सा हो गया वो आपने खुद तो तैयार किया नहीं है तो इट इज़ कॉल्ड ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर सेकेंडरी सोर्स ठीक है सो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक था आपके सिलेबस का ठीक है और इसी प्रकार से हम टॉपिक वाइज जो है आगे बढ़ते जाएंगे आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे सो फ्रेंड्स थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स